छाटो बही खाता लेखाकर्म अकाउंटेंसी के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे अंश पूंजी लेखे अध्याय के अंतर्गत अंश, इनको हम शेयर कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, अंश क्या है, शेयर क्या है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि किसी भी व्यापार, एकल व्यापार में, साझेदारी व्यवसाय में जो पूंजी है, एकल व्यापार में व्यापारी स्वयं अपनी व्यक्तिगत पूंजी का इस्तेमाल करता है। दूसरा, वहीं साझेदारी व्यवसाय में विभिन्न साझेदार जो हैं वो अपनी व्यक्तिगत पूंजी का इस्तेमाल करके व्यापार व्यवसाय को संचालित करते हैं। अब चूंकि कंपनी जो कि बहुत सारे लोगों का एक समूह होता है, जिसकी पूंजी जो है छोटे छोटे भागों में बंटी होती है, और कंपनी का स्वयं का एक अस्तित्व जो है अपने सदस्यों से अलग होता है, तो यहाँ पर कंपनी को जो हमने पूर्व में संज्ञा दी थी कि कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति के ऊपर के रूप में माना गया। तो चूंकि कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी जो है स्वयं पूंजी को एकत्रित नहीं कर सकती, जिस प्रकार से एकल व्यवसाय में व्यापारी स्वयं या साझेदारी व्यवसाय में साझेदार स्वयं अपनी पूंजी को व्यापार व्यवसाय में लगाते हैं। तो यहाँ पर कंपनी की जो है अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। कंपनी जो होती है बहुत लार्ज स्केल पर उत्पादन करती है, तो उसको बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। अब ये पूंजी जो है वो कुछ व्यक्तियों से एकत्रित करती है। यहाँ कंपनी की जो पूंजी है वो छोटे छोटे भागों में बंटी होती है, और यही छोटे छोटे भाग की पूंजी जो है कंपनी की अंश पूंजी कहलाती है। अर्थात जो कंपनी की एक पूंजी होती है, पूंजी के छोटे छोटे भाग होते हैं, हिस्से होते हैं, और यही छोटे छोटे जो पूंजी के भाग हैं, जो उसके हिस्से हैं, वो कंपनी की अंश पूंजी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कंपनी की पूंजी यहाँ पर 1,00,000 रुपये है मान लीजिए, और वो 1,000 भागों में बटी है, तो यहाँ पर 100 उसके क्या हैं, हिस्सेदार। तो ये 100 भागों में भाग है, ये 100 भागों में इसकी पूंजी यहाँ पर, जो 100 रुपये वाले 1,000 भागों में इसकी पूंजी यहाँ पर बटी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जो इस अंश को लेते हैं वे कंपनी के अंशधारी कहलाते हैं। अब ये जो हिस्से हैं जो ये लिया हुआ है, ये क्या कहलाते हैं, उसके हिस्सेदार कहलाते हैं। तो अंश पत्र वो पत्र कहलाता है जो कि एक कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के उपभाग 84 के अनुसार अंश से आशय किसी कंपनी की अंश पूंजी में हिस्सा से है, और इसमें स्टॉक भी शामिल है। तो अंश से यहाँ आशय जो है कि कंपनी की पूंजी का एक हिस्सा है, कौन, अंश पूंजी, और इसमें स्टॉक भी शामिल है, तो ये कहलाता है अंश या शेयर। इसके बाद दो प्रकार इसके होते हैं अंश के, समता अंश या साधारण अंश, और दूसरा होता है पूर्वाधिकारी अंश। पहला जो प्रकार है समता या साधारण अंश, ये वे अंश कहलाते हैं जो कि पूर्वाधिकारी अंश नहीं है, अर्थात इनको पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है। पूर्वाधिकार से तात्पर्य है कि पहले से कोई अधिकार इनको प्राप्त है, वो पूर्वाधिकार है। तो समता या साधारण अंश ये सामान्य अंश कहलाते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है, लाभांश प्राप्त करने का अधिकार या वापस पूंजी को प्राप्त करने का अधिकार इनको पहले नहीं है। इसमें जोखिमता अधिक होती, यहाँ पर सभी को लाभांश व भुगतान होने के बाद ही इनको लाभांश दिया जाता है, और लाभांश की दर जो होती है इनकी अनिश्चित होती है। ये वास्तव में कंपनी के स्वामी, कंपनी का स्वामी कौन होता है, वही होता है जो साहसी होता है, जो व्यवसाय में पूंजी लगाता है और लाभ या हानि का जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि समता अंश में जो पूंजी लगाता है उसकी लाभ की जो लाभांश की दर है वो कैसी है, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है। तो जब उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है और उनकी लाभांश की दर अनिश्चित है, तो इस स्थिति में वो क्या है, कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। और जो तमाम प्रकार के सभी प्रकार के लाभांशों का अन्य लोगों को भुगतान करने के पश्चात या पूंजी का भुगतान करने के पश्चात जो शेष बचता है तब इनको भुगतान किया जाता है, तो वो कहलाते हैं सामान्य या साधारण समता या साधारण अंश। इसकी जो विशेषताएं हैं, नंबर एक, लाभांश की दर बदलती रहती है, अर्थात इनकी लाभांश की जो दर है वो निश्चित
नहीं होती, ये कंपनी के लाभ पर निर्भर करती है और उसी हिसाब से इनको लाभांश दिया जाता है। दूसरा जो है, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभांश देने के बाद इन्हें लाभांश दिया जाता है। समस्त प्रकार के पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभांश देने के बाद ऋण पत्र धारियों को उनका ब्याज देने के उपरांत और तमाम प्रकार के भुगतान करने के पश्चात जो शेष बचता तब यहाँ पर संता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। तीसरा जो है, लाभ होने पर प्रतिवंश जो है लाभांश देना अनिवार्य नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि यदि कंपनी को हर वर्ष लाभ हो रहा है तो इन्हें हर वर्ष लाभ दिया ही जाए। साथ ही कंपनी के समापन पर इनकी पूंजी का भुगतान जो है सबसे अंत में किया जाता है। समस्त प्रकार के दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात जो है समापन के समय सबसे अंत में समता अंशधारियों की पूंजी की वापसी होती है। फिर ये जो है कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। संतान जारी होते हैं, ये कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और इन्हें संचालक मंडल के सदस्यों के चुनाव में, वार्षिक साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार होता है और मत या वोट देने का भी इन्हें अधिकार होता है। ये कहलाते हैं संता या साधारण या सामान्य अंश। इसी से जुड़ा हुआ शब्द जो है स्टॉक या स्कंध। कंपनी को जिन अंशों की पूर्ण देय राशि प्राप्त हो जाती है, जैसे कि यदि एक अंश जो है 100 रुपए वाला है जो कि 25 रुपए आवेदन में, 25 रुपए आवंटन में और 50 रुपए यहां पर जो है फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल में, तो इस प्रकार से यहां पर 100 रुपए जो है 3 या 4 भागों में उससे एकत्रित किए जाते हैं। तो जिस अंश पर, ये अंश मान लीजिए 100 रुपए वाला है और इस पर जो है 100 रुपए पूरे प्राप्त हो गए, अर्थात जिन अंशों की पूर्ण देय राशि प्राप्त हो जाती है। ऐसे अंश जो कंपनी ने निर्गमित किए हैं और उन अंशों पर पूर्ण राशि जो है वो इन्हें प्राप्त हो गई है तो कंपनी जो है एक प्रमाण पत्र देती है जिसे स्कंध या स्टॉक कहते हैं। स्कंध जो है पूर्णदत्त अंशों के लिए ही दिया जाता है, अर्थात जिन अंशों पर पूर्ण राशि चुकता प्राप्त हो चुकी है वही स्कंध में परिवर्तित किए जाते हैं। कंपनी अंशों को ही बाद में स्कंध में बदलती है और स्कंध जो है टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है, तो ये है स्टॉक या स्कंध। दूसरा जो है अंश प्रमाण पत्र। अंश प्रमाण पत्र क्या है? जो कंपनी का अंशधारी है जिसने कंपनी के अंश प्राप्त कर लिए हैं, कंपनी उसको जो है सार मुद्रा के अधीन निर्गमित एक प्रमाण पत्र देती है जिसे किसी सदस्य द्वारा धारण किए गए अंश निश्चित होते हैं, अर्थात कंपनी के द्वारा अंश प्रमाण पत्र लिए जाने का एक प्रमाण पत्र क्या कहलाता है? अंश प्रमाण पत्र। तो ये एक ऐसा प्रलेख है जो एक अंश पूंजी वाली कंपनी में अंशों के स्वामित्व को प्रमाणित करते हैं, अर्थात ये प्रमाण पत्र ये बताता है कि इस अंशधारी का कंपनी पर स्वामित्व है, अर्थात कंपनी के अंश पूंजी में इसका एक हिस्सा है। ये जो है कंपनी के सदस्यों द्वारा क्रय किए गए अंशों की संख्या को प्रकट करते हैं। अंश प्रमाण पत्र जो है ये बताता है कि किस अंशधारी के पास कंपनी के कितने अंश हैं तथा अंशों पर सदस्यों के स्वामित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अर्थात जिसके पास अंश प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र ये बताता है कि संबंधित अंशधारी जो है वो कंपनी का अंशधारी है। तो ये है अंश प्रमाण पत्र। अंश एवं स्टॉक में अंतर। तो अंश का क्या है? अपना एक अंकित मूल्य होता है, 100 रुपए का अंकित मूल्य है उसका मान लीजिए, या 1000 रुपए का है, जो भी मूल्य है उस अंश का उसका एक अंकित मूल्य होता है। स्कंध क्या है? इसका कोई अंकित मूल्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण दत्त चुकता अंशों का एक क्या है? समूह है। ये स्कंध है, इसका कोई अपना अंकित मूल्य नहीं होता, टुकड़ों टुकड़ों में हो सकता है ये। फिर अंश का पूर्ण चुकता होना आवश्यक नहीं है, अर्थात जरूरी नहीं है कि जितने अंश हमने निर्गमित किए हैं, जितने पर हमें एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी प्राप्त हो चुकी है या कुछ की नहीं हुई है, तो जरूरी नहीं कि हर एक अंश जो है वो पूर्ण चुकता हो, अर्थात सभी अंशों पर हमें बकाया राशि प्राप्त हो चुकी है। जबकि स्कंध उन्हीं का तैयार किया जाता है जो पूर्ण दत्त चुकता अंश है, अर्थात जिन अंशों ये पूर्ण चुकता राशि हमें प्राप्त हो चुकी है उन्हीं का स्टॉक बनाया जाता है, तो स्कंध का चुकता होना यहाँ आवश्यक है। फिर अंश जो है पूर्ण रूप में ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं,
अंश हम कभी भी किसी को भी पूर्ण रूप से सीधा सीधा हस्तांतरित कर सकते हैं, जबकि स्कंद जो है टुकड़ों में भी हस्तांतरित किया जाता है। स्टॉक जो है वो अलग अलग भागों में बांटकर टुकड़ों टुकड़ों में उसको हम बेच सकते हैं। फिर एक ही प्रकार के अंशों का अंकित मूल्य समान रहता है, एक ही प्रकार के अंश हैं उन सभी का अंकित मूल्य जो है एक समान होता है, जबकि स्कंद जो है अलग अलग टुकड़ों में होता है, इसलिए इसकी रकम भी जो है अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। फिर प्रत्येक अंश का एक क्रम रहता है, अंशधारी को जो अंश प्रमाण पत्र दिया जाता है उस अंश प्रमाण पत्र का हर एक का अपना अपने क्रमांक होता है। स्कंद के लिए ऐसी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। फिर अंश जो है सदैव क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीयत होते हैं। स्कंद जो है दोनों प्रकार के हो सकते हैं, रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, दोनों ही प्रकार के स्कंद हो सकते हैं। पर अंशधारी जो है कंपनी का सदस्य कहलाता है, अंशधारी जो होता है वो कंपनी का क्या होता है, सदस्य होता है, जबकि स्कंदधारी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं। तो यह है अंश और स्टॉक या स्कंद में अंतर। बात करते हैं हम सामान्य अंश के बाद पूर्वाधिकारी अंश। जैसा कि बताया कि दो प्रकार के अंश होते हैं, एक सामान्य समता या साधारण अंश और दूसरा प्रकार जो है पूर्वाधिकारी अंश। नाम से ये स्पष्ट है कि पूर्व से इनको अधिकार प्राप्त है। ऐसे अंश जिन पर जो है पूर्व से कुछ अधिकार इनको प्रदान किए जाते हैं वो कहलाते हैं पूर्वाधिकारी अंश। तो ये वो अंश कहलाते हैं जो सामान्य अंश नहीं है, न लाभांश बाद समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। अर्थात पूर्वाधिकारी अंशधारियों को एक निश्चित दर से लाभांश जो है समता अंशधारियों के पहले प्राप्त करने का अधिकार है, वहीं पूंजी वापसी का भी इन्हें पहले अधिकार प्राप्त है। इन्हें सर्वप्रथम निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद ही समता अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। इन्हें जो है लाभांश सबसे पहले हम इन्हें लाभांश प्रदान करते हैं, पूर्वाधिकारी अंशधारियों को प्रदान करते हैं, उसके पश्चात फिर समता अंशधारियों को भुगतान किया जाता है। तो ये अंश जो है एक निश्चित आय प्राप्त करने वाले अथवा सुरक्षित विनियोग में धन कमाने वाले विनियोक्ताओं के लिए पूर्वाधिकारी उपयुक्त माने जाते हैं। जिस प्रकार से यदि हम बैंक में एफडी वगैरह जमा करते हैं तो एक निश्चित आय जो है एक निश्चित समय पर हमें बैंक से प्राप्त होती है और वो पैसा हमारा सुरक्षित भी रहता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो पूर्वाधिकारी अंश है ये एक प्रकार के सुरक्षित अंश पत्र कहलाते हैं, भले ही इसमें प्राप्त आय या लाभांश जो है वो हमें समता अंश की तुलना में कम प्राप्त होता है, लेकिन ये सुरक्षित होते हैं। तो इसमें जो एक निश्चित दर से हमें लाभांश प्राप्त होता है, निश्चित समय पर प्राप्त होता है, और ऐसे लोग जो अपने विनियोग को सुरक्षित रखना चाहते हैं, निश्चित दर से आय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए पूर्वाधिकारी अंश जो है सुरक्षित या उचित रहते हैं। इसकी विशेषताएं जो देखें हम, अन्य अंशधारियों की तुलना में पहले लाभांश दिया जाता है। दूसरा जो है लाभांश की दर प्रायः पूर्व में निश्चित होती है, जैसे 10% पूर्वाधिकारी अंश। इसका मतलब यह है कि 100 रुपये का यदि पूर्वाधिकारी अंश है तो 10% मतलब उसको 100 रुपये में 10 रुपये जो है निश्चित दर से उसको लाभांश दिया ही दिया जाएगा। तो ये क्या है, पूर्व से निश्चित होता है। फिर कंपनी को उन्हीं प्रस्तावों पर मत दे सकता है जिनसे वो संबंध, चूंकि पूर्वाधिकारी अंशधारी जो है कंपनी के स्वामी नहीं कहलाते, इन्हें सामान्य सभा में बैठक में भाग लेने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन ये कंपनी की सभा में अपने प्रस्ताव से जुड़े हुए मैटर पर अपना मत दे सकते हैं जिनका उनसे संबंध है। फिर कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी समता अंशधारियों के पूर्व होती है। यहाँ पर जो है कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकारी अंशधारियों को अपनी पूंजी की वापसी जो है समता अंशधारियों से पहले प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रकार के जो अधिकार हैं इनको, जैसे कि लाभांश पाने का पहले अधिकार, पूंजी वापसी का पहले अधिकार प्राप्त अधिकार, ये अधिकार जो है पूर्वाधिकार होते हैं, तो ये कहलाते हैं पूर्वाधिकारी अंश। अब यहां हम देखते हैं पूर्वाधिकारी अंश के प्रकार। इसके 9 प्रकार हैं पूर्वाधिकारी अंश के। सबसे पहला हम देखते हैं असंचयी पूर्वाधिकारी अंश, अर्थात जिसको हम संचित करके नहीं रख सकते। अक्सर ऐसा होता है कि यदि किसी वर्ष कंपनी को लाभांश नहीं हुआ, लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो उस वर्ष जो है पूर्वाधिकारी अंशधारी को लाभांश जो है वो नहीं दिया गया। अब जो लाभांश उसको उस वर्ष नहीं दिया गया वो उसको अगले वर्ष प्राप्त होना चाहिए, लेकिन अगले वर्ष भी उसको प्राप्त नहीं होगा।
जिनमें लाभांश उसी वर्ष देय होता है जिस वर्ष कंपनी को पर्याप्त लाभ हुए, यदि लाभ नहीं हुआ तो लाभांश नहीं दिया जाएगा। अर्थात जिस वर्ष लाभ कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ उस वर्ष का संचित लाभ जो है वो अगले वर्ष उसको नहीं दिया जाएगा, वो है असंचयी। दूसरा है संचयी, इसका जस्ट उल्टा है। यदि कंपनी को हानि होती है और उस वर्ष उन्हें लाभांश नहीं दिया गया तो आगे आने वाले वर्षों में इनका लाभ संचित रहता है, अर्थात अगले वर्ष इनको लाभ दिया जाएगा, अगले वर्ष लाभ दिया जाएगा। तीसरा जो है परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, तीसरा प्रकार है परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश, अर्थात ऐसे अंश जिनको हम दूसरे अंश पत्रों में परिवर्तित कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो इन अंशधारियों को यह अधिकार होता है कि वे निश्चित समय पश्चात अपने अंशों को समता अंशों में बदल सकते हैं। जैसे कि पहले यदि हमने पूर्वाधिकारी अंश पत्र लिए जो, तो यदि परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश पत्र हैं वे यदि, तो उनको हम समता अंशों में बाद में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा जो है अपरिवर्तनीय, अर्थात इन अंशों को हम समता अंशों में परिवर्तित नहीं कर सकते। ऐसे अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश कहलाते हैं ये, जिनको हम इन अंश पत्रों को किसी और अंश पत्रों में परिवर्तित या कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हैं अपरिवर्तनीय। तो यहाँ असंचयी, संचयी और परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। इसके बाद हम देखते हैं भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंश। भागयुक्त का है जिन अंशधारियों को पूर्व निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त होने के बाद अन्य प्रकार के अंशों का लाभांश देने के बाद शेष बचे अतिरिक्त लाभ में भाग प्राप्त करने का अधिकार होता है। अर्थात पहले तो इनको निश्चित दर से लाभांश प्राप्त होगा, इसके बाद भी यदि कंपनी में कोई लाभांश बच जाता है, शेष रह जाता है, तो शेष बचे हुए लाभांश में से भी अतिरिक्त लाभ में से भाग प्राप्त करने का भागयुक्त पूर्वाधिकारी अंशधारियों को अधिकार होता है। फिर है अभागयुक्त, इन्हें निश्चित दर से लाभांश पाने का अधिकार होता है, अतिरिक्त लाभ में इनका कोई हिस्सा नहीं होता, अलग से जो बचे हुए लाभ में इनका कोई हिस्सेदारी या नहीं होता। फिर प्रत्याभूतित पूर्वाधिकारी अंश, इन्हें एक निश्चित दर से हर वर्ष लाभांश मिलने की गारंटी दी जाती है, अंशधारियों को कंपनी के प्रति विश्वास बनाने के लिए यह अंश निर्गमित किए जाते हैं। कंपनी को हानि हो चाहे लाभ हो इससे कोई मतलब नहीं, प्रत्याभूतित पूर्वाधिकारी अंश यदि हैं तो कंपनी उन्हें हर वर्ष निश्चित दर से लाभांश की गारंटी देती ही है। इस प्रकार के अंश जो है इसलिए जारी किए जाते हैं ताकि कंपनी पर अंशधारियों का विश्वास बना रहे। फिर विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकारी अंश, कोई भी अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसे पूर्वाधिकारी अंश पत्रों को जारी कर सकती है जिनकी राशि कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार लौटाई जा सकती है, इनको हम बोलते हैं विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकारी अंश। अर्थात ऐसे पूर्वाधिकारी अंश जिनको हमने अभी परचेस किया है लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ निश्चित शर्तों के साथ कंपनी उनकी रकम जो है हमें वापस कर देती है, वो विमोचनशील या शोध्य पूर्वाधिकारी अंश पत्र कहलाते हैं। फिर अविमोचनशील या अशोध्य पूर्वाधिकारी अंश, कंपनी के जीवन काल में इन अंश पत्रों का शोधन नहीं होता, अर्थात इनकी पूंजी की वापसी कंपनी के जीवन काल में नहीं की जा सकती। जब तक कंपनी चलती रहेगी पूंजी पूर्वाधिकारी अंश पत्र के रूप में लगी रहेगी, जब कंपनी का समापन होगा तो तब जो है इनका जो है भुगतान हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जो है सीमित दायित्व वाली कंपनियां जो हैं अशोध पूर्वाधिकारी अंश पत्रों का निर्गमन नहीं कर सकती, पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये जो है पूर्वाधिकारी अंश पत्रों के जो है प्रकार हमने यहाँ देखे 9 प्रकार के, तर समता अंश एवं पूर्वाधिकारी अंशों में अंतर, ये बहुत आवश्यक अंतर है दोनों के बीच में, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। बात करते हैं यहां पर समता अंश और पूर्वाधिकारी अंशों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं हम लाभांश की, इन अंशधारियों को लाभांश जो है पूर्वाधिकारी अंशधारियों के बाद प्राप्त
होता है, क्योंकि ये कंपनी के क्या है, एक प्रकार के स्वामी माने जाते हैं, तो इनको जो लाभांश है पूर्वाधिकारी अंशधारियों के बाद ही प्राप्त होता है, जबकि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभांश जो है समता अंशधारियों के पहले प्राप्त होता है। दूसरा जो है लाभांश की दर, समता अंशधारियों के लाभांश की दर जो है वो क्या है, घटती बढ़ती रहती है, ये कंपनी के लाभ हानि पर डिपेंड करती है, कंपनी की लाभ अर्जन क्षमता किस प्रकार की, कितना लाभ उसने अर्जित किया है उस हिसाब से इनको लाभांश दिया जाता है, घटती बढ़ती रहती। चूंकि ये पूर्वाधिकारी जो है इनकी लाभांश की दर पूर्व से ही निश्चित होती है तो उनको उसी दर से लाभांश दिया जाता है। फिर निश्चित आय, क्योंकि लाभांश की दर अनिश्चित है इसलिए इनकी आय अनिश्चित रहती है, जबकि इनकी लाभांश की दर निश्चित है इसलिए इनकी आय निश्चित रहती है। फिर सट्टा, इन अंशों में अधिक सट्टा होता है, चूंकि यहाँ पर समता अंश की लाभांश की जो दर है वो ऊपर नीचे होती रहती तो इन पर सट्टा की संभावना ज़्यादा होती है, सट्टा इस पर लगता रहता है, जबकि पूर्वाधिकारी अंश की फिक्स होती है लाभार्जन क्षमता लाभांश क्षमता, तो ये नाम मात्र का इसमें सट्टा होता है। जबकि अंकित मूल्य की बात करें तो इनका अंकित मूल्य जो होता कम होता है, समता अंश का अंकित मूल्य कम होता है जबकि पूर्वाधिकारी अंश पत्रों का अंकित मूल्य जो है अधिक होता है। फिर शोधनी, समता अंश जो है वो शोधनी नहीं हो सकते, कंपनी के जीवन काल में नहीं हो सकते, जब तक कंपनी का समापन नहीं होगा तब तक समता अंशधार अंश का शोधन नहीं होगा, इनका भुगतान नहीं होगा। पूर्वाधिकारी जो है ये शोधनी हो सकते हैं, इनका भुगतान कंपनी कर सकती है। फिर बात करते हैं जोखिम की, चूंकि लाभांश की दर यहाँ पर घटती बढ़ती रहती है तो इन अंशों पर जोखिम अधिक होता, कभी मिलता भी है कभी नहीं भी मिलता। पूर्वाधिकारी में जो है अंशों पर जोखिम कम होता है क्योंकि इसमें निर्धारित दर से लाभांश प्राप्त होता है। अंश पूंजी से क्या आशा है, दूसरा समता अंश से आशा है और उसकी विशेषताएं लिखी है, तीसरा अंश एवं स्टॉक के बीच अंतर स्पष्ट करिए, चौथा पूर्वाधिकारी अंश से आशा है व उसके जो प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं विभिन्न, उनको विस्तार से आपको समझाना है, और समता अंश व पूंजा पूर्वाधिकारी अंशों के बीच में क्या अंतर है इनको आपको स्पष्ट करना है।